आज से 10 साल पहले हम दोनों ने जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया था। वो हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक था। तब से हमने तय किया था कि हर साल इसी दिन को हम उतने ही प्यार से मनाएंगे और हर बार कहीं ना कहीं घूमने जरूर जाएंगे, चाहे वो पहाड़ हो, समंदर हो या रेगिस्तान। तो इस बार हमने सोचा देहरादून मसूरी चलते हैं, उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में कुछ दिनों के लिए खो जाते हैं। तो दिल्ली से देहरादून जाने के लिए मैंने IRCTC ऐप से ट्रेन टिकट बुक कर ली और फिर उसके बाद ऑनलाइन होटल बुकिंग्स भी कर लिए और उसके बाद फाइनली हमने शॉपिंग और पैकिंग का काम भी खत्म कर लिया। देहरादून के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूंगी। देहरादून उत्तराखंड का कैपिटल है और इसे सिटी ऑफ लव भी कहा जाता है। सन 1676 में सातवें सिख गुरु हर राय के सबसे बड़े बेटे बाबा राम राय ने यहाँ पर अपना डेरा डाला था। तब से इस जगह का नाम डेरा योगदून यानी देहरादून पड़ गया। हालांकि इस जगह का उल्लेख हमारे प्राचीन महाकाव्यों में और एंशियंट चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएन सैंग की किताबों में भी पाया जाता है। दिल्ली से देहरादून का डिस्टेंस तकरीबन 250 किलोमीटर है और चूंकि ये फुटहिल्स है तो आगे पहाड़ों पर जाने के लिए देहरादून होकर ही जाना पड़ता है। दिल्ली से देहरादून जाने के लिए रोडवेज, रेलवेज और फ्लाइट्स की सेवाएं भी उपलब्ध हैं। And welcome back to my channel Rediscover Pompeii, and today is another vlog and I am super duper excited and guess why, because jaise maine mere pichle wale video mein bataya tha, we are going to plan something exciting and yes, so today is the day, aaj hum ja rahe hain ghoomne and the plan is for Mussoorie. So let me tell you how we planned it. Basically, I am very excited because this is my anniversary week and हम काफी दिनों से सोच रहे थे कि कहीं पर ऐसे घूमने जाएं जो दिल्ली से काफी नजदीक हो, हमें ज्यादा travel या फिर बहुत ज्यादा time नहीं निकालना पड़े because we just have to take short leaves and then manage somehow. तो थोड़े से ही कुछ ही दिनों के अंदर अगर हम कहीं पर घूमने जाएं, एंड हमारा एक और दो तीन और क्राइटेरिया थे जैसे कि हिल्स होना चाहिए बिकॉज वी रियली लाइक टू गो टू द हिल्स, एंड थर्डली ऐसा था कि कोई ऐसी जगह हो, मेरा मन था कि पहले मैं नहीं गई हूँ, एटलीस्ट आई हैवन्ट गॉन टू दैट प्लेस एंड ओके अनदर लास्ट बट नॉट द लीस्ट एज आई ऑलवेज प्रेफर इट हैज टू बी अ बजट ट्रिप। सो सारी चीजों को सोचकर फिर फाइनली हम लोगों ने ये सोचा कि हाँ, एक और चीज था, सिंस दिस इज द मॉनसून टाइम आई हैड डिटरमिंड कि रोड ट्रिप नहीं करना है, हिल्स जाना है, हिल्स जाने का मन तो है बट रोड ट्रिप नहीं करना है बिकॉज हिल्स आर रियली रिस्की एंड जैसे कि हम सबको पता है कि पिछले एक आध महीनों के अंदर हिमाचल में जिस तरह से फ्लड हुआ है एंड ऑलवेज इन द रेनी सीजन उत्तराखंड एंड हिमाचल आर रियली प्रोन टू द क्लाउड बर्स्ट एंड फ्लड। तो उस हिसाब से फिर फाइनली मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, मसूरी मैंने कभी नहीं देखी है, मसूरी मैं नहीं गई हूँ, मैंने मोस्टली हिमाचल और उत्तराखंड का मतलब हिस्सा अगर देखे तो सिर्फ ऋषिकेश एंड हरिद्वार तक ही मैं गई हूँ। सो इन दैट केस आई वॉज वॉन्टिंग टू गो टू मसूरी एंड सो फाइनली आई डिसाइडेड लेट्स बुक अ ट्रेन टू देहरादून एंड देहरादून तक जाके वहां पर एक दिन रुक जाएंगे, देहरादून देख लेंगे एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स विल विजिट टू मसूरी। इन दैट केस हमारा प्लान काफी अच्छे से चल गया बिकॉज वी गॉट डायरेक्ट ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून एंड बैक एंड टूडे इज द डे एंड बस अभी थोड़ी ही देर में मैं निकलने वाली हूँ। आई एंड माई हस्बैंड विल बी लीविंग एंड फिर उसके बाद
will be actually going traveling by Vande Bharat, and उसकी वजह से भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज ये ट्रेन भी मैंने इस ट्रेन में भी मैंने कभी सफर नहीं की है. सो आई एम एक्चुअली वेरी वेरी हैप्पी. द डेज आर गोइंग टू बी, लेट्स कीप आर फिंगर्स क्रॉस दैट ट्रैवलिंग हमारा जो ट्रिप है वो बढ़िया होगा. और आज हम देहरादून जाके रुकेंगे, कल का दिन हम पूरा देहरादून घूमेंगे, आपको साथ लेके हम घूमेंगे. और जितना हो सके मेरा मन है कि देहरादून हो या मसूरी हो, वहां पर हम लोकल फूड वगैरह थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, एंड देन ऑफ कोर्स गो टू द प्लेसेस जो हैं. बाय द वे अभी काफ़ी बारिश चल रही है एंड न्यूज़ में अलर्ट हो रहा है कि वी हैव टू बी लिटिल कॉशियस बिकॉज बारिश की वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है, वहाँ पे जलभराव भी हो रहा है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट एनी वे वी जस्ट वॉन्ट टू बी हैप्पी एंड आई मीन हैव नाइस टाइम टुगेदर. तो आप सब मेरे साथ जरूर बने रहिएगा. वंदे भारत में मेरा जर्नी कैसा रहा वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, एंड अलॉन्ग विद दैट आई विल गो विथ यू टू दी डिफरेंट प्लेसेस इन देहरादून एंड मसूरी. एंड मैं आप सबसे जानना चाहूंगी कि आप लोगों को मेरे वीडियोज देख के कैसा लगता है, लेट मी नो. एंड अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक और शेयर कर दो इफ यू रियली वॉन्ट टू. ऑल राइट, एंड इफ पॉसिबल प्लीज नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लो, बिकॉज मैं जो मेरे नेक्स्ट एपिसोड में अपलोड करूंगी, ऑब्वियसली ये 4-5 दिन के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो ये एक एपिसोड में नहीं होगा. आई विल ट्राई टू पुट द डिफरेंट एपिसोड्स, एंड इन दैट केस आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे. ठीक है, तो अब मैं सारा पैकिंग कर चुकी हूँ बेसिकली, और अपना बैग लेके मैं अभी थोड़ी देर में निकलने वाली हूँ. ट्रेन में बैठ के, स्टेशन में पहुंच के और ट्रेन में बैठ के मैं तब आप लोगों को दिखाऊंगी कि नजारा कैसा है. ओके, चलो चलते हैं, बाय. हमारी ट्रेन थी आनंद विहार टर्मिनल से और हमें निकलने में काफी लेट हो गया था. मेरे पतिदेव का तो ये कहना था कि मेरी शक्ल देखने लायक थी, और हो भी क्यों ना, रास्ते में निकलने के बाद समझ आया पूरे दिल्ली NCR में अकेले हम ही अक्लमंद नहीं है जो लॉन्ग वीकेंड मनाने जा रहे हैं. ट्रैफिक और क्राउड देख के मैं तो श्योर थी कि भाई हम ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन जब भागते हुए प्लेटफॉर्म तक पहुंचे और ट्रेन खड़ी दिखी तो भाई साहब मत पूछिए कि जान में जान आना किसे कहते हैं. फाइनली बहुत सारे भागदौड़ के बाद बहुत सारा भागदौड़ किया, बिकॉज एक्चुअली आज है लॉन्ग वीकेंड का टाइम दिस फ्राइडे एंड बहुत रश है रास्ते में. इट वॉज अ बैड ट्रैफिक एंड हमें लगा कि ऑलमोस्ट हम मिस करने वाले हैं ट्रेन, लाइक वी रैन लाइक एनीथिंग. चलो फाइनली दिस इज माई ड्रीम ट्रेन, फाइनली जाके अब हम लोग इस पे राइड करने वाले हैं, एंड आई विल शेयर एक्सपीरियंसेस विद यू. आनंद विहार टर्मिनल देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है. मेरा जी यह ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से देहरादून एक मिनट आ जाओ है. न्यूज़पेपर दिया जा रहा है और आज
अंधारे का फल चुका है। कुछ भी हाँ जी, थैंक यू। समोसे ये बहुत भूखे हैं तो इनसे रहा नहीं गया। उनको बहुत जोर से भूख लगी थी। एक्चुअली क्या है कि ऑफिस से निकले हैं, लंच करने का भी टाइम नहीं मिला, मीटिंग चल रही थी, अच्छा स्नैक्स खाए और मैडम की वजह से घर में पहुंचना होता है, सब पच पच हो गया, तो ना इधर के रहे ना उधर के, और दौड़ दौड़ के भाग भाग के हमने ट्रेन पकड़ा वंदे भारत, वो भी हमारे घर से काफी किलोमीटर दूर है, कम से कम हमें कम से 1 घंटा 50 मिनट। या एक्चुअली वी ट्रैवल फ्रॉम गुड़गांव टू आनंद विहार एंड इट्स क्वाइट फार, तो यहाँ तक आते आते लाइक एक्चुअली जो होता है ना स्वाद अभी पता चल रहा है, एक्चुअली ही कुडंट वेट फॉर द अमृत एंड बट फाइनली वी आर हैविंग फन क्योंकि ट्रेन बहुत अच्छा लग रहा है और दिस इज ऑब्वियसली खाना अच्छा है, सो या आई जस्ट शो ये है स्नैक्स और इन्होंने स्नैक्स में एक जूस दिया हुआ है एंड देयर्स अ पीनट चिक्की एंड एक टी किट है, साथ में कुछ स्नैक्स आई मीन नमकीन एंड समोसा। सो द स्नैक्स इज गुड, स्नैक्स अभी जो ये हल्का फुल्का स्नैक्स है एंड देन दे सेड कि डिनर जो है डिनर इज ऑफ योर चॉइस व्हाइल मतलब जब टिकट हम रिजर्व करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिजर्वेशन तब हमको अपना वो डालना होता है चॉइस कि वेज और नॉन वेज व्हाट एवर इट इज, तो वो डिनर भी है साथ में बिफोर रीचिंग विल बी रीचिंग एट अराउंड 10:30। इनका मुंह चलता रहेगा सो ही विल कीप ईटिंग। सबसे ज्यादा बात दैट्स कॉल्ड जुबान चलना, मेरा जुबान चलता है, इनका मुंह चलता है, सो गोइंग टू एंजॉय अ लॉट, ठीक है, और बीच बीच में आप लोगों के साथ हम शेयर करते रहेंगे हमारे सारे फनी मोमेंट्स एंड द एंजॉयबल मोमेंट्स, ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, इसका नाम है जय स्वीट्स पीनट चिक्की, विल कीप ईटिंग लाइक दिस। स्नैक्स ओवर हो जाने के बाद थोड़ी देर खिड़की के बाहर झांका मगर अंधेरा हो चुका था, तब मेरे हबी ने सोचा यही सही समय है बैठे बैठे बोर हो जाने के बजाय पूरी ट्रेन का एक शॉर्ट टूर कर लिया जाए। वंदे भारत एक्सप्रेस आज की तारीख में अपनी मॉडर्न लुक, टेक्नोलॉजी और स्पीड के लिए जाना जाता है। हालांकि इस ट्रेन की कैपेसिटी 180 किलोमीटर पर आवर तक की है, लेकिन हमारे इंडियन रेलवे ट्रैक्स को देखते हुए ये ट्रेन मैक्सिमम 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल पाती है और वो भी गिने चुने रूट में। मूलतः वंदे भारत शताब्दी या गतिमान की तरह एक डे ट्रेन है जो सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंसेस कवर करती है। फिलहाल इस ट्रेन में एग्जीक्यूटिव क्लास और चेयर कार ये दो तरह के कोचेस ही हैं। हर कोच में एक WC है और फूड स्टोरेज कंटेनर्स हैं, जहां से अटेंडेंट्स आपको साफ सुथरे तरीके से फ्रेशली पैक्ड मील सर्व करते हैं। वंदे भारत में जो डिनर सर्व किया जाता है वो वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। इसमें दाल आपके चॉइस का वेज या नॉन वेज का एक आइटम, तवा पराठा, अचार और पीस पुलाव या जीरा राइस होता है। वंदे भारत जर्नी इज नॉट जस्ट अ कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट जर्नी, इट इज आल्सो एन एडवेंचरस जर्नी। जब ये आ जाए आपके पास लॉट्स ऑफ करीज एंड लॉट्स ऑफ दाल,
विद सम अचार, तो एडवेंचर तो बनता ही है. एंड बट एडवेंचर इज चैलेंजिंग योरसेल्फ कि एक फोन के बाहर नहीं गिरना चाहिए, बाहर गिरना हाँ कैसे यार हालत देखो वाओ. गाड़ी की रफ्तार जब 110 हो तब खाने का मजा नहीं. उस हालत में 110 किलोमीटर पर आर के रफ्तार में जब आप एक भी कड़ी का फूल डाल दिया, सी लुक एट दिस इंडियन फूड मींस करी करी इट सो आई डोंट बिलीव लॉट्स ऑफ करी. आई थिंक आई नीड अ गिम्बल इफेक्ट टू होल्ड दिस ट्रे. नॉर्मल खाया नहीं जा रहा, बहुत ज्यादा जर्क हो रहा है. After dinner, it is called ice cream. Happy days to you. तो आखिरकार हम देहरादून पहुंच गए, वो भी बिल्कुल राइट टाइम पर. ट्रेन से उतरने के बाद फिर से थोड़ी देर तक हम दोनों ने ट्रेन के फोटोज और वीडियोज लिए. सच में दिस ट्रेन इज रियली ब्यूटीफुल. फिर स्टेशन से निकलकर हमने होटल का लोकेशन गूगल मैप पर डाल दिया, जो कि सिर्फ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही दिखा रहा था. क्योंकि बुकिंग करते वक्त हमने देखा था कि पहुंचते पहुंचते काफी देर हो जाएगी और उस वक्त देहरादून में भारी बारिश का अलर्ट भी था, इसलिए हम चाहते थे कि स्टेशन से कम दूरी पर होटल हो तो अच्छा है. खैर होटल पहुंचकर चेक इन फॉर्मेलिटीज हम लोगों को पूरा करते करते रात के ऑलमोस्ट 11 से 11:30 बज चुके थे. अब हमें बस इंतजार था कि हम अपने रूम में जाएं और रेस्ट करें. तो हमने फाइनली चेक इन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और हम लोग को रूम अलॉट कर दिया है. इट्स क्वाइट लेट एट नाइट, ऑलमोस्ट 11:30 बज चुके हैं. तो हम जल्दी से एक बार आपको रूम टूर करवा देते हैं. मैं आपको दिखा देती हूँ कि रूम कैसा मिला है हम लोगों को. तो जैसे हम लोगों ने देखा कि होटल का नाम है होटल विष्णु इन, ये नियरेस्ट है रेलवे स्टेशन से. और इनका एक और होटल है जिसका नाम है होटल विष्णु लोक. आई थिंक ये कैमरे में नहीं आ रहा है. सो दे हैव टू ब्रांचेस और ये बिल्कुल लाइक इट्स लाइक 1 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द रेलवे स्टेशन. हमें सेकेंड फ्लोर पे रूम दिया है एंड दिस इज द रूम. टू से फ्रैंकली दिस इज़ अ वेरी बजट एंड लाइक इट्स अ वेरी बेसिक काइंड ऑफ रूम. और ये टेलीविजन है, देर इज़ अ मिरर एंड देर इज़ अ स्पेशियस वॉशरूम जो काफ़ी ठीक ठाक दिख रहा है. लाइक इट्स क्लीन एंड अ नाइस वन, बट ठीक है, नीट एंड क्लीन है, ठीक ठाक है. सो नॉट दैट बैड. वी हैव अ विंडो, यस वी हैव अ विंडो. यहाँ से जस्ट नॉर्मल सिटी व्यू दिखता है. सो देर इज नो खास कोई वैसा कोई व्यू नहीं है. ये हमारा जो रूम है एंड बहुत ही बेसिक बट अमेनिटीज है. देर इज सम सिटिंग अरेंजमेंट और यहाँ पे बॉक्सेस रखने का आई मीन बैग्स रखने की जगह है. जस्ट सिंपल वार्डरोब. ओके वी हैव एसी एंड ठीक है फॉर वन आई गेस वन नाइट के लिए इट्स मोर देन सफिशिएंट बिकॉज हमें सिर्फ अभी नाइट के लिए स्टे ओवर करना है एंड टुमारो मॉर्निंग वी आर गोइंग टू चेक आउट. चेक आउट करने के बाद हम लोग देहरादून घूमेंगे. लाइक या तो हम सुबह को निकल जाएंगे
और फिर थोड़ा सा घूम कर वापस आ जाएंगे और फिर चेकआउट की फॉर्मेलिटीज जो है वो कंप्लीट करके हम बाकी का जो टाउन है वो घूमेंगे, या फिर हम एक बार में चेकआउट करेंगे। विल कीप आवर पैकेजेस ओवर हियर और फिर हम यहाँ से मसूरी के लिए शाम को रवाना हो जाएंगे। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सो एज ऑफ नाउ वी आर लाइक जस्ट अबाउट टू टेक सम रेस्ट क्योंकि बहुत थक गए हैं, और देखते हैं अभी पहले थोड़ा सा सेटल डाउन कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को मैं बाकी की चीज़ें बताती हूँ। तो फाइनली हम लोग सेटल डाउन हो चुके हैं और अभी फाइनली फ्रेश होके हम लोग बैठे हैं, और यू कैंट इमेजिन रात के 12:30 बज चुके हैं। सो इट्स सो लेट और हम लोग काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं। मैंने उम्मीद की थी कि शायद 10:30 बजे तक ट्रेन इन कर जाएगी एंड हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा होटल काफ़ी पास है रेलवे स्टेशन के, तो मैक्स टू मैक्स लाइक इट विल टेक 30 मिनट्स, आधा घंटा लगेगा आई मीन होटल तक पहुंच के चेक इन वगैरह ख़त्म करने में, या फिर लाइक मैक्स टू मैक्स 1 आवर, लेकिन 2 घंटे लग गए हैं। एंड यहाँ पर एक मुसीबत है लाइक इन दिस पर्टिकुलर होटल आई गेस कि यहाँ पर आफ्टर 10:30 वी कैन नॉट ऑर्डर एनीथिंग, द किचन गेट्स क्लोज्ड, और फॉर सम रीज़न आसपास भी वैसे कोई रेस्टोरेंट वगैरह कुछ नहीं मिला। थैंकफुली वी हैड आर डिनर इन द ट्रेन, तो थोड़ा बहुत लाइक वी आर फिल्ड, तो छोटी मोटी लाइक कुछ आई थिंक कुछ स्नैक्स वगैरह हम लोगों ने अपने पास रखे हुए हैं, सो उससे काम चल जाएगा। नाउ वी आर होपिंग टू गेट अप अर्ली टुमारो, नॉट सो अर्ली क्योंकि काफ़ी लाइक थके हुए हैं, बट फिर भी वी विल चेक आउट। एंड फिर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम लोग उसके बाद ये टाउन जो है थोड़ा सा रूम अराउंड करेंगे, थोड़ा सा है जो भी जगह हैं हम वो थोड़ा सा देख लेंगे, एंड आफ्टर दैट विल मूव टू मसूरी। तो यह है हमारा कल का प्लान, एंड नाउ इट्स टाइम टू क्लोज टूडेज जो आज का जो डिस्कशन है, आज का जो मेरा स्टोरी टेलिंग है, आज का जो मेरा एक्सपीरियंस है। इट वॉज जस्ट अ जर्नी, टूडेज थिंग वॉज जस्ट अ जर्नी, सो ज़्यादा कुछ हमने किया नहीं है, जस्ट मतलब वंदे भारत ट्रेन में जो जर्नी था वही हमारा आज का मेन एक्सपीरियंस था, एंड इट वॉज रियली लवली, अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बिकॉज टू स्पीक अ लिटिल बिट अबाउट दैट ट्रेन, इट्स अ वेरी मॉडिफाइड एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने आज तक जो भी शताब्दी या फिर जो गतिमान में हमने जो भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, दिस इज मच मोर मॉडिफाइड वर्जन ऑफ दैट। सो या इट वॉज रियली ब्यूटिफुल, काफ़ी डिजिटाइज है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग। हाँ, एक चीज़ है कि हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं, जो भी हमारे पैसेंजर्स यहाँ पर जर्नी करने वाले हैं ऑन डेली बेसिस, बस उम्मीद करती हूँ कि हर कोई इसको मेंटेन करने की कोशिश करे, बिकॉज ये जो क्लीनलीनेस है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि टच सेंसर है, सब कुछ है, सो वी ऑल शुड आई मीन इक्वली ट्राई टू मेंटेन दैट। ये सिर्फ वहाँ के रेलवे के कर्मचारियों का या फिर उनका काम नहीं होता, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी अकेले की नहीं होती, हम सबकी होती है। सो अगर हम सब इन चीज़ों को मेंटेन करने लगे, देन आई विल एक्सपेक्ट कि ऐसे होगा। और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि वाइल ट्रैवलिंग जितने भी मतलब ऑन द वे जितने भी मैंने ट्रेन्स देखे, सारे के सारे अभी काफ़ी मॉडिफाइड होके आ रही हैं, लाइक दे आर गेटिंग ब्यूटिफाइड। जो मालगाड़ियाँ थी वो भी काफ़ी खूबसूरत अभी नया इन्होंने मतलब इंट्रोड्यूस किया हुआ है आई थिंक, सो अच्छा लग रहा था देख के कि चलो इंडियन रेलवेज आर एक्चुअली इंडियन रेलवेज गेटिंग ब्यूटिफाइड एंड मॉडिफाइड एंड अपग्रेडेड, सो आई वॉज फीलिंग लिटिल बिट प्राउड यू नो। चलो ठीक है, सो इट वॉज टूडेज एक्सपीरियंस। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड यू नो वॉट टू डू टू सपोर्ट मी मोर एंड मोर, प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यस नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ऑल्सो। ओके, सो सी यू इन माई नेक्स्ट एपिसोड फॉर देहरादून ट्रिप एंड मसूरी, मूविंग टू मसूरी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।